अटेंशन अटेंशन, वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों आज मैं एक नया लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का लेके आया हूँ। नाम है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो दोस्तों हिंदी में ऊष्मा संचरण कहा जाता है। हमारे डेली लाइफ से ये काफ़ी रिलेटेड चैप्टर्स हैं। हीट का काम हमेशा पड़ता है, हीट के बिना आप खाना नहीं बना सकते हैं। तो हीट का आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ये है क्या, इसका इंट्रोडक्शन में ये कहेंगे हीट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहलाता है। दोस्तों ट्रांसमिशन ऑफ हीट के तीन मेथड्स होते हैं। एक कहलाता है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। आपके घर में जैसे खाना बनता हो, चाय बनता है, तो हम लोग हीट कहाँ देते हैं, पेंदी में देते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हैं पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। तो हीट क्या हुआ, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गया। इसमें कोई मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस नहीं छोड़ते हैं। हीट का ट्रांसफ़र होना एक पार्ट से दूसरे पार्ट विदाउट एनी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मान लें रड है या आप छुलनी ले लिए ना, उसका एक सिरा आग के कांटेक्ट में है या आप हीट दे रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि दूसरा एंड भी इसका गर्म हो जाता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर आप कपड़े उपड़े से इसको पकड़ने का कोशिश करते हैं या है ना स्पून्स जो होते हैं चम्मच उसके अंदर क्या लगाया जाता है, हैंडल लगाया जाता है, या तो लकड़ी का होता है या फिर प्लास्टिक का रबड़ का होता है, क्योंकि वो चूँकि हीट एक एंड से दूसरे एंड पर पहुँच जाता है। तो हीट का एक एंड से दूसरे एंड पर जाना विदाउट एनी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर होता क्या, जैसे आप गर्म करना शुरू किया तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी गेन करके काफ़ी ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, और जो एनर्जी उसको गेन होती है उस गेन एनर्जी का एक पार्ट अपने पास रख लेता है, रेस्ट दूसरे को दे देता है ना, बहुत हेल्थ की भावना है, नहीं सब जितना आया सब अपने पास रखा, ऐसा नहीं करता ये, तो जो आया बांट देता है अगले वाले को दे देता है। तो जो एनर्जी मिला एक एनर्जी का एक भाग अपने पास रखा, रेस्ट दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पाँचवें को दिया, पाँचवें ने छठे को दिया, इस तरह से हीट एक एंड से दूसरे एंड पे पहुँच जाती है। तो दोस्तों हीट ट्रांसमिशन इसी में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विदाउट एनी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। ये किस में होगा दोस्तों, ये सिर्फ सॉलिड में होगा, जैसे स्टील एल्यूमिनियम, आपका बर्तन सब किसका बना होता है, या फिर स्टील का या एल्यूमिनियम का बना होता है। अब आइए कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन क्या है, आप पानी जब गर्म करते हैं कभी ध्यान से देखिएगा, जब पानी जब गर्म खोलने लगता है तो क्या होता है वहाँ पर, आप देखिएगा जब गर्म करना शुरू होता है वो तो नीचे से वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है। तो सबसे पहले गर्म कौन होती है, नीचे वाली होती है, गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर वो ऊपर उठती है, तो नीचे वाली उठ के कहाँ गई, ऊपर, ऊपर वाली कहाँ गई, नीचे। इस तरह से एक कन्वेक्शनल करंट कहते बनता है। सन से जो हीट है वो डायरेक्ट पहले अर्थ पर आती है, अर्थ के नज़दीक की हवा को गर्म करती है, वो गर्म होने के बाद कोई भी वस्तु गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है तो उस वो ऊपर उठती है, और ठंडी हवा भारी होती है वो नीचे आती है, फिर धीरे 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 हमारा पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो पाता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स हो या एयर मॉलिक्यूल्स हो, हीट गेन करके खुद हीट लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। देखिए कंडक्शन में क्या था, कोई अपना प्लेस नहीं छोड़ रहा था, कंडक्शन में कोई अपना प्लेस नहीं छोड़ रहा था, इसमें क्या था, खुद जा रहा है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स हीट गेन किया, हल्की हो गया, ऊपर चला गया। तो हीट खुद जा जा के बांटता है, पोस्ट में न लगा, जा जा के बांटता है।
ये कन्वेक्शन कहलाता है। तीसरा क्या है दोस्तों, रेडिएशन। जैसे सन से जो हीट आ रहा है, आपको पता होना चाहिए जो हवा है कब तक कहाँ तक है, हवा कितने दूर तक है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं वो कितनी हाइट तक है, 400 किलोमीटर, उसके ऊपर कुछ नहीं है, हवा भी नहीं, और ये सनलाइट करोड़ों मील से आ रही है, तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं, बिना मीडियम के हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसको आप रेडिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। बाय रेडिएशन हीट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, रेडिएशन से हीट सब तरफ जाएगा, वाइल कन्वेक्शन से हीट, कन्वेक्शन में देखिए हीट नीचे से ऊपर जा रहा है, गर्म होकर नीचे से ऊपर उठ रही है, हवा नीचे गर्म होकर ऊपर उठती है, तो कन्वेक्शन से हीट किधर से किधर जाता है, नीचे से ऊपर, और रेडिएशन से किधर जाता है, चारों तरफ। तो दोस्तों एक बड़ा सवाल पूछा था, इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सवाल है, सवाल क्या है कि आग जल रही है, आग के ऊपर हाथ रखिए आप, और फिर उतनी ही दूरी पे साइड में रखिए, कब ज़्यादा आपको गर्मी लगेगा, ऊपर तरफ, कारण कि ऊपर जो हीट जा रहा है बाय टू मेथड्स, कन्वेक्शन से जा रहा है और रेडिएशन, रेडिएशन से सब तरफ जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ, तो ऊपर तरफ जो हीट जा रहा है बाय टू मेथड, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और साइड में जो हो रहा है सिर्फ रेडिएशन से, इसलिए ऊपर हीट ज़्यादा जाता है। पहले ज़माने में लालटेन का ज़माना होता था, लालटेन जलाना पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी रहता नहीं था, उस लालटेन का ऊपर वाला ढक्कन ज़्यादा गर्म होता था, अगर आपके ज़माने में होगा तो देखिएगा, जबकि साइड में कम गर्म रहता है, ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि दूरी भी ज़्यादा रहती है, फिर भी वो ज़्यादा गर्म, बगल में कम गर्म। कारण ये है कि ऊपर जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो दो मेथड से होता है दोस्तों, कौन कौन से, बाय एंड बाय रेडिएशन, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।